आप सब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आपको ये बताएगा कि ये निगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एटम के न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सेम होते हैं? इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास एकदम सेम होता है, उनका चार्ज भी सेम होता है और उनका स्पिन भी बिल्कुल सेम ही होता है। यानी कि इस ब्रह्मांड में मौजूद दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के बीच किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं होता। अगर इनके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की भी बात करें तो इनका भी मास और स्पिन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। अंतर होता है तो केवल इनके चार्ज में, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है इनका चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर इनके चार्ज को नजरअंदाज कर दें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में भी किसी तरह का कोई अंतर नहीं रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर सभी इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेम क्यों हैं? उनमें किसी भी तरह का कोई भी अंतर क्यों नहीं है? और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बिल्कुल सेम क्यों होता है? साल 1940 में फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इस सवाल का जवाब दिया था अपने एक दिलचस्प हाइपोथेसिस के जरिए, जिसे हम वन इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। उनका मानना था कि सभी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम इसलिए होते हैं क्योंकि वो अलग अलग है ही नहीं। जी हाँ, उनका ये मानना था कि दरअसल वो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो टाइम ट्रेवल करके समय में इतनी बार आगे पीछे जाते और आते रहते हैं कि हमारे टाइम लाइन में वो हमें काफी संख्या में नजर आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन समय में पीछे जाते हैं वो हमें पॉजिट्रॉन के रूप में नजर आते हैं, और जो समय में आगे जाते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन के रूप में नजर आते हैं। यानी कि इस हाइपोथेसिस के अनुसार न सिर्फ इस ब्रह्मांड में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही इलेक्ट्रॉन है बल्कि सारे पॉजिट्रॉन्स भी वही इलेक्ट्रॉन है। आज के इस एपिसोड में हम इसी अजीबोगरीब पर दिलचस्प हाइपोथेसिस के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वर्तमान के फाइंडिंग्स के हिसाब से ये हाइपोथेसिस कितना सही या कितना गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। वन इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स हाइपोथेसिस की कहानी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये जॉन व्हीलर के द्वारा एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए लेजेंडरी फिजिसिस्ट रिचर्ड फेयमैन को दिया गया था। उस समय जॉन व्हीलर प्रोफेसर थे और रिचर्ड फेयमैन उनके स्टूडेंट। एक दिन रिचर्ड फेयमैन के पास उनके प्रोफेसर जॉन व्हीलर का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा, फेयमैन, आई नो व्हाई ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम चार्ज एंड द सेम मास। क्यूरियोसिटी से फेयमैन ने उनसे पूछा, व्हाई? तो व्हीलर ने कहा, बिकॉज दे आर ऑल द सेम इलेक्ट्रॉन। इसे टेलीफोन पर ही उन्होंने कुछ इस तरह से समझाया, सपोज दैट द वर्ल्ड लाइंस विच वी वर ऑर्डिनरीली कंसिडरिंग बिफोर इन टाइम एंड स्पेस, इंस्टेड ऑफ ओनली गोइंग अप इन टाइम, वर अ ट्रेमेंडस नॉट, एंड देन व्हेन वी कट थ्रू द नॉट बाय द प्लेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ फिक्स्ड टाइम, वी वुड सी मैनी मैनी वर्ल्ड लाइंस एंड दैट वुड रिप्रेजेंट मैनी इलेक्ट्रॉन्स। Except for one thing, if in one section this is an ordinary electron world line, in the section in which it reversed itself and is coming back from the future, we have the wrong sign to the proper time, to the proper four velocities, and that's equivalent to changing the sign of the charge, and therefore that part of the path would act like a positron. अब इसका मतलब क्या था? आइए समझते हैं। इस ब्रह्मांड में हमारे आसपास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर व्हीलर का मानना था कि वो कई सारे नहीं बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टाइम ट्रेवल करके समय में आगे पीछे आते जाते रहते हैं। आइए इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लो आपके पास एक टाइम मशीन है जिसके जरिए आप समय में आगे या पीछे जा सकते हो। सपोज आज मंडे है, आप टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा करके संडे के दिन में पहुंच जाते हैं और वहां कुछ समय बिताने के बाद मंडे के दिन में वापस लौट आते हैं। आप बिल्कुल यही काम ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को भी करते हैं। अब होगा क्या? आप हैं तो एक ही, पर संडे को इस टाइमलाइन में एक साथ आपके 6 कॉपीज नजर आएंगे। अगर यही प्रोसेस आप मिलियन बार रिपीट करें तो यहाँ आपके मिलियन कॉपीज एक साथ नजर आएंगे। यही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। इस ग्राफ को देखिए, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन
स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल लाइन टाइम को। अब चूंकि टाइम हमारे लिए लीनियर होता है, हम केवल वर्तमान को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सपोज ये हमारा वर्तमान का समय है। अब किसी कारण ये इलेक्ट्रॉन अगर समय में आगे पीछे आता जाता रहे तो हमारे टाइम लाइन से ये कई बार गुजरेगा। अब है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन, पर चूंकि समय यात्रा करने के कारण ये हमारे टाइम लाइन में कई बार मौजूद रहा है, हमें लगता है कि हमारे बीच एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। व्हीलर का ये भी मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन समय में पीछे जाते हैं उनका चार्ज बदल जाता है और वो हमें पॉजिट्रॉन के रूप में नजर आते हैं। यानी कि इस ग्राफ में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पॉजिट्रॉन्स। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन किस तरह से हमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में नजर आ सकता है। आइए अब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब समय में पीछे जाते हैं तो किस तरह से उनका चार्ज बदल जाता है और वो हमें पॉजिट्रॉन के रूप में नजर आते हैं। आपने स्कूल में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो एक कंडक्टर में निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के वजह से पैदा होता था और जिसे आप आई से रिप्रेजेंट किया करते थे। आपको ये भी याद होगा कि जब इस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बदलता था तो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता था पर हमें उनके साइन में निगेटिव वैल्यू ऐड करना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन जब राइट टू लेफ्ट होता था तो जो करंट प्रोड्यूस होता था उसे हम पॉजिटिव आई से रिप्रेजेंट करते थे और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन जब इसके विपरीत होता था तो हम उससे प्रोड्यूस हुए करंट को निगेटिव आई से रिप्रेजेंट किया करते थे। अब अगर पॉजिट्रॉन की बात करें तो ये हूबहू बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बस इनका चार्ज पॉजिटिव होता है। ऐसे में एक पॉजिट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे भी हम माइनस आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करंट में हमें फ्लिप साइन दो सिनेरियो में मिल सकते हैं। पहला तब जब हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल देते हैं और दूसरा तब जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट चार्ज देकर उसे पॉजिट्रॉन में बदल देते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि किसी पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन को उल्टा करना मैथमेटिकली बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उसे समय में पीछे जाते हुए देखना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समय सच में पीछे जाएगा, इसका मतलब बस ये हुआ कि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट फ्रेम में अगर हम ये अज्यूम कर लें कि समय पीछे जा रहा है तो हमें लगेगा कि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टा हो गया है। आइए इसे एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इनके डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलने का मतलब ये होगा कि ये लेफ्ट से राइट की ओर मूव करने लगेंगे। अब अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक बार फिर से देखें तो ये राइट से मूव होकर लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम समय में पीछे जाएं तो ये हमें लेफ्ट से मूव होकर राइट के तरफ जाते हुए दिखेंगे। यानी कि इनके डायरेक्शन ऑफ मोशन को उल्टा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इन्हें समय में पीछे जाते हुए देखना। और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन का बदलना बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट शो करता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का बदल जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन में बदल जाना। अगर थोड़ा और डीप में जाएं तो क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताता है कि सभी पार्टिकल्स सीपीटी सिमेट्री को जरूर फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उनकी सिमेट्री मेंटेन्ड रहती है। यानी कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद भी उनका फिजिकल या मैथमेटिकल फीचर बदलता नहीं है। इस सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन में सी का मतलब होता है चार्ज कंजुगेशन, जिसका मतलब हुआ किसी पार्टिकल के चार्ज को उल्टा कर देना। पी का मतलब होता है पैरिटी इन्वर्जन, जिसका मतलब हुआ किसी पार्टिकल को एक आईने की तरह रिफ्लेक्ट कर देना। और टी का मतलब हुआ टाइम रिवर्सल, यानी कि समय के बहाव को उल्टा कर देना, या फिर ये कहें कि कोऑर्डिनेट क्लॉक के डायरेक्शन को उल्टा कर देना। किसी पार्टिकल पर अगर आप ये तीनों चेंजेस एक साथ करेंगे, यानी कि उसके चार्ज को उल्टा कर देंगे, उसके पैरिटी को इन्वर्ट करेंगे और टाइम के बहाव को उल्टा कर देंगे, तो वो पार्टिकल आपको बिल्कुल उसी रूप में मिलेगा जैसा वो इन सब ट्रांसफॉर्मेशन के होने से पहले था। अब अगर आप किसी पार्टिकल पर केवल सी और पी ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करें, मतलब कि पहले उसके चार्ज को उल्टा कर दें और उसके बाद उसके पैरिटी को इन्वर्ट कर दें, तो हमें एक अलग पार्टिकल मिलेगा जो कि ओरिजिनल पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होगा, क्योंकि सी ट्रांसफॉर्मेशन ने इसका चार्ज उल्टा कर दिया है और पी ट्रांसफॉर्मेशन ने इस पार्टिकल को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एक बार फिर से वही पार्टिकल मिल जाए जो कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस के होने से पहले था, तो हमें
इसके ऊपर टी यानी कि टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये एंटी पार्टिकल हमें सीपी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिला, यानी कि इस पे सी ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई हुआ था और पी ट्रांसफॉर्मेशन भी। इस एंटी पार्टिकल को एक बार फिर से ओरिजिनल पार्टिकल में बदलने के लिए हमें एक बार फिर से इसके चार्ज को रिवर्स करना होगा और इसके पैरिटी को भी इन्वर्ट करना होगा। पर हम जानते हैं कि टी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से हमें फिर से ओरिजिनल पार्टिकल मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टी ट्रांसफॉर्मेशन अकेले वो काम करता है जो काम सी और पी ट्रांसफॉर्मेशन साथ मिलकर करते हैं, यानी कि टी ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट होता है सीपी ट्रांसफॉर्मेशन के। इस आधार पर हम एंटी मैटर को टाइम रिवर्स्ड मैटर कह सकते हैं। अब ये हाइपोथेसिस सही है या गलत, इस पर हम आगे बात करेंगे। पर एंटी मैटर को टाइम रिवर्स्ड मैटर मानने से क्वांटम फील्ड थ्योरी के कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में हमें काफी आसानी जरूर हो जाती है, क्योंकि इसके कारण हमें काफी कम फेनमैन डायग्राम ही बनाने पड़ते हैं। बात जब फेनमैन डायग्राम की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि फेनमैन डायग्राम की उत्पत्ति में व्हीलर के वन इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स हाइपोथेसिस के इस पॉइंट का काफी बड़ा योगदान था कि एंटी पार्टिकल्स कुछ और नहीं बल्कि समय में पीछे जाने वाले पार्टिकल्स ही होते हैं। अगर आप फेनमैन डायग्राम के बारे में कुछ नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरह से नजर आता है। इस एपिसोड में मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा, बस आप ये जानिए कि इसमें तीन तरह के लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, सीधे लाइंस, डॉटेड लाइंस और टेढ़े मेढ़े लाइंस। ये लाइंस वर्टिकल्स पे मिलते हैं। जहां पे ये लाइंस आपस में मिलते हैं वो पॉइंट दो या दो से अधिक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है जो एक समय पर उस स्पेस पर एक साथ मौजूद होते हैं। पर इन डायग्राम्स की खासियत ये होती है कि इनमें पार्टिकल समय में आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। पर पार्टिकल जब समय में पीछे जाता है तो उसे एंटी पार्टिकल कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये फेनमैन डायग्राम दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वहां वर्चुअल पार्टिकल का निर्माण होता है जो आगे चलकर क्वार्क और एंटी क्वार्क का एक पेयर बनाता है। इनमें से एक से ग्लूऑन रेडिएट होता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को इस एरो से रिप्रेजेंट किया गया है और पॉजिट्रॉन को इसके ऑपोजिट एरो से, जो कि यह दर्शा रहा है कि ये समय में पीछे जाता हुआ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। अब तक आप समझ चुके होंगे कि वन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस आखिर कहता क्या है। चलिए अब जानते हैं कि ये कितना सही या कितना गलत है। ये हाइपोथेसिस है तो काफी इंटरेस्टिंग, पर ज्यादातर वैज्ञानिक इसे नहीं मानते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड पे बुरी तरह फेल हो जाता है। अगर पहले प्रॉब्लम की बात करें तो वो है इस ब्रह्मांड में हमें एंटी पार्टिकल का काफी कम संख्या में मिलना। अगर वन इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स की थ्योरी को सही माने, मतलब कि अगर ये मान लें कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इस ब्रह्मांड में मौजूद है जो समय में कई बार आगे और पीछे जाता रहता है, तो इस ग्राफ के हिसाब से हमारे टाइमलाइन में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन समय में आगे जाता है वही एक बार फिर से पीछे भी आता है। पर असल में इस ब्रह्मांड में हमें पार्टिकल की तुलना में एंटी पार्टिकल काफी कम संख्या में मिलते हैं। दरअसल फेनमैन जब व्हीलर की वन इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स हाइपोथेसिस को फोन पर सुन रहे थे, तब भी उन्होंने उनसे ये पूछा था कि अगर इस ब्रह्मांड में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो समय में आगे और पीछे आता जाता रहता है, तो इस ब्रह्मांड में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की संख्या समान होनी चाहिए, फिर पार्टिकल्स की संख्या एंटी पार्टिकल से ज्यादा क्यों है। उस समय व्हीलर ने मजाक में ये कहा था कि वेल मे बी दे आर हिडन इन द प्रोटॉन्स और समथिंग, मतलब कि मिसिंग एंटी पार्टिकल्स शायद प्रोटॉन्स के अंदर छुपे हों। पर क्लियरली उनकी ये बात गलत थी और उन्होंने इसे सीरियसली कहा भी नहीं था। एक बार को तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है ब्रह्मांड के केवल इस कोने में पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो और इसके किसी दूसरे भाग में एंटी पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो, यानी कि हो सकता है कि सारे मिसिंग एंटी पार्टिकल्स ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में मौजूद हो। ये सोच तो अच्छी है, पर बदकिस्मती से ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि हम मानते हैं कि यूनिवर्स हर जगह बिल्कुल एक जैसा ही है, यानी कि यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा स्पेशल नहीं है। इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक हिस्से में पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो और किसी दूसरे हिस्से में एंटी पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो। हो सकता है हमारा ये अजम्पशन गलत हो, पर अभी तक हमने यही पाया है कि ये यूनिवर्स हर जगह एक जैसा ही है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस सही नहीं है। इस हाइपोथेसिस के साथ दूसरी परेशानी ये है कि व्हीलर ने जब ये हाइपोथेसिस दिया था उस समय तक
हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के डेवलपमेंट के बाद से इलेक्ट्रॉन्स को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया है। ये हमें बताता है कि स्पेस टाइम में हर जगह इलेक्ट्रॉन क्वांटम फील्ड मौजूद रहते हैं और जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि इस इलेक्ट्रॉन क्वांटम फील्ड में होने वाला एक्साइटेशन मात्र होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम फील्ड में अगर हम एक क्वांटम एनर्जी डालें तो वो हमें एक पार्टिकल के रूप में नजर आएगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह अगर हम इस इलेक्ट्रॉन क्वांटम फील्ड में और ज्यादा क्वांटम एनर्जी डालेंगे तो हमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और अगर हम इस फील्ड से कुछ क्वांटम एनर्जी निकाल लेंगे तो हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी इस ब्रह्मांड से गायब होते हुए नजर आएंगे। क्वांटम फील्ड थ्योरी वाले एपिसोड में हमने जाना कि इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स और अन्य दूसरे क्वांटम पार्टिकल्स बनते और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जब भी कार्बन 14 का न्यूक्लियस डीके होता है वहां एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है और लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो का भी। इस तरह से ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाता है। उसी तरह मैग्नीशियम 23 का न्यूक्लियस जब डीके होता है तो वहां एक पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है जो इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आकर उसे नष्ट कर देता है, जिससे कि इस ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से एक कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन क्वांटम फील्ड को फंडामेंटल ऑब्जेक्ट माना जाता है न कि इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो केवल इस फील्ड के एक्साइटेशन होते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऐसा कहने का कोई तुक नहीं बनता, और इस ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन का नंबर एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है भी नहीं। इस हाइपोथेसिस के साथ एक और बड़ी परेशानी है, और वो ये है कि इसे हम टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी के कारण हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजिशन और उसके मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करना भी संभव नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी ये पता नहीं कर सकते कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही हैं या वो सब अलग अलग हैं। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आइए इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इस बॉक्स में 10 बॉल्स हैं जो एक ही रंग के हैं और अपनी जगह हमेशा बदलते रहते हैं। अब अगर आप इस बॉक्स को बंद कर दें और कुछ देर बाद इसे खोलें तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि इसके अंदर 10 बॉल्स ही रहेंगे, पर आप ये कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा बॉल अपना पोजीशन बदल कर कहां चला गया है। इसे हम कार्डिनल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक दूसरा सिनेरियो ये है कि इसी बॉक्स में अलग अलग कलर के अगर 10 बॉल रखे हुए हो और वो अपनी जगह बदलते रहते हो तो आप आसानी से ये बता पाएंगे कि कौन से बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज की है। इस प्रॉपर्टी को हम ऑर्डिनल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के वियर्डनेस के कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इनमें से पहली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम ये पता कर सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी है, पर पूरे सर्टेनिटी के साथ ये कभी नहीं बता सकते कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही हैं जो समय में आगे और पीछे जाने के कारण हमें एक से ज्यादा दिखते हैं या फिर वो सबके सब अलग अलग ही हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये हाइपोथेसिस है तो मजेदार, पर इसे माना नहीं जा सकता। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।